Bobby. गॉबी यहाँ आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ। ओ, मुझे कुछ नहीं देखना है, मुझे तो अभी नींद आ रही है। मैंने तुमसे कहा था ना पीट, गॉबी ये नहीं खाएगा। खाना? क्या खाना है? तुम क्या लेकर आए हो पीट? पेस्ट्रीज, वाव! बेकरी वाले ने मुफ्त में पेस्ट्रीज दी है, हम ये सब बांटकर खाएंगे। वाई को भी बुला लेते हैं। वाई आओ ना, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हेलो बच्चों, कैसे हो तुम? ओह वाओ, पेस्ट्रीज, क्या बात है, मजा आ गया। शुक्रिया पीट। मैं भी एक ले लूं? हाँ गॉबी, हम सब बांटकर खाएंगे। टेस्टी। पीट, बेकरी वालों ने तुम्हें ये पेस्ट्रीज मुफ्त में क्यों दे दी? हाँ क्यों? ओ, ये एक लंबी कहानी है। आज सुबह मेरी मम्मी ने मुझे 1 रुपए का सिक्का दिया था। मैंने घर का काम किया था ना, मैं सिक्का लेकर बेकरी चला गया। वहाँ गलती से सिक्का गिर गया और काउंटर के नीचे चला गया। मैंने ये बात बेकर को बताई और वो भी सिक्का ढूंढने लगा। फिर वो नीचे झुका और काउंटर के नीचे देखने लगा। उसने कहा कि नीचे 5 रुपए का एक सिक्का है, उसके बदले में तुम्हें जो चाहिए ले लो। मैंने कहा कि नहीं, 5 रुपए का सिक्का मेरा नहीं है। फिर उसने कहा कि यहाँ 2 रुपए का सिक्का है, तुम इसके बदले में कुछ भी ले सकते हो। फिर मैंने कहा कि नहीं, ये सिक्का मेरा नहीं है, तुम नीचे देखो, जब मेरा सिक्का मिल जाएगा तो मैं कुछ भी ले लूंगा। तब उसने क्या कहा? फिर उसने मुझे पेस्ट्री का ये पूरा पैकेट दे दिया और कहने लगा कि तुम ईमानदार हो और तुम्हारी वजह से मुझे मेरे सिक्के मिले हैं। आज तुमने भी वही किया जो उस लकड़हारे ने की थी और उसे सोने की कुल्हाड़ी मिली। अगर तुम ईमानदारी नहीं दिखाते और उससे झूठ बोलते तो वो शायद तुम्हें ये नहीं देता। कौन सा लकड़हारा वायु? वही जो जंगल में देवी से मिला था। देवी से मिला था? हाँ, ये कहानी है एक लकड़हारे और एक देवी की। ओ वायु, प्लीज हमें वो कहानी सुनाओ ना। हाँ प्लीज। ठीक है, मैं सुनाता हूँ। एक दिन एक लकड़हारा जंगल में हमेशा की तरह लकड़ी काटने आया था। अरे नहीं, ये क्या हुआ, मेरी कुल्हाड़ी, अब मैं क्या करूं, कैसे निकालूं, मेरे पास बस यही एक ही कुल्हाड़ी थी। अरे तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? तुम कौन हो? मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं इस नदी की देवी हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बताओ मुझे। मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ, लकड़ी काट कर गुजारा करता हूँ। आज भी मैं लकड़ी काट रहा था, तभी मेरी कुल्हाड़ी फिसल गई और नदी में गिर गई। मेरे पास बस वही एक कुल्हाड़ी थी, अब मेरे परिवार का क्या होगा, क्या आप मेरी मदद करेंगी? अगर कर सकती है तो मदद कीजिए। तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी नदी में से ले आती हूँ। लो, यही है ना तुम्हारी कुल्हाड़ी। नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अरे ये नहीं है तुम्हारी, ये सोने की कुल्हाड़ी है। मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ, मैं भला सोने की कुल्हाड़ी कहाँ से लाऊंगा, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ओ प्लीज, मेरी कुल्हाड़ी ला दीजिए ना।
चांदी की कुल्हाड़ी है, ये तो जरूर तुम्हारी होगी। नहीं, आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। खैर कोई बात नहीं, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। रुको, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि तुमने सोने चांदी की कुल्हाड़ी देकर भी मुझसे झूठ नहीं बोला। यही है, यही है मेरी कुल्हाड़ी। ओह, आपने मेरे परिवार को बचा लिया। मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारी है। तुम तीनों कुल्हाड़ियाँ रख लो, ये सब मेरी तरफ से तोहफा है। लकड़हारे ने ये कहानी अपने दोस्तों को सुनाई। उनमें से एक तो ये कहानी सुनकर बहुत खुश हो गया। वो इतना खुश हुआ कि वो अगले दिन उसी जगह पर लकड़ी काटने पहुंच गया। ओ नहीं, ये क्या हुआ? मेरी कुल्हाड़ी! अब मेरा क्या होगा, क्या खाऊंगा? सिर्फ वही एक कुल्हाड़ी थी मेरे पास। अरे नहीं, क्या करूं मैं, मेरी कुल्हाड़ी, उसके बिना मैं क्या करूंगा। क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? हेलो, मतलब आप कौन है बताएंगे? मैं इस नदी की देवी हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। बताओ क्यों रो रहे हो? मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ, मैं यहाँ लकड़ी काटने आया था, तभी अचानक कुल्हाड़ी मेरे हाथ से फिसल कर गिर गई। मैंने जानबूझकर नहीं गिराया, मेरा परिवार तो भूखा मर जाएगा। क्या आप मेरी मदद करेंगे प्लीज? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी अभी नदी में से ले आती हूँ। यही तो है। ओह, आपने मुझे बचा लिया। अच्छा, मैं जानती हूँ कि ये कुल्हाड़ी तुम्हारी नहीं है। तुम तो बड़े बेईमान इंसान हो, अब तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम्हारी कुल्हाड़ी भी तुम्हें नहीं मिलेगी। लेकिन सुनो तो, मेरी कुल्हाड़ी, मेरे पास बस वही कुल्हाड़ी थी। अरे मैं क्या करूँ, मैं तो मारा जाऊंगा। अब मुझे खाली हाथ लौटना पड़ेगा। तो सुन लिया, ईमानदारी ही सबसे अच्छी बात है। वाह, तुमने तो बहुत अच्छी कहानी सुनाई वायु। तो पीट, तुमने बहुत अच्छा किया। बच्चों याद रखना, हमेशा सच ही बोलना चाहिए। चलो अब पेस्ट्री का मजा उठाते हैं। थैंक यू वायु। इसमें थैंक्स की क्या बात है। अब मेरे जाने का समय हो गया है, लेकिन हम जल्दी ही फिर मिलेंगे। बाय बाय वायु। बाय बाय दोस्तों।